आज बनाने वाली हूँ मैं कुल्फ़ी। तो मैंने यहाँ पे एक लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है, वो अभी कच्चा दूध है, और ये मैंने थोड़ा से कटोरी में बॉईल किया हुआ दूध ले लिया है जो ठंडा हो चुका है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, इलायची, मिल्क पाउडर और ये एक कप चीनी लिए। तो चलिए इसको अब हम अपने दूध को पहले बॉईल कर लेते हैं अच्छे से। तो ये कढ़ाई में हमने इस दूध को डाल दिया है और इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आप भी अपने घर में ये कुल्फ़ी बनाइएगा और ये सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसे कुल्फ़ी का टेस्ट आता है। ऐसे तो दोस्तों आपने बहुत सी जगह की कुल्फ़ी खाई होगी और अलग अलग फ्लेवर की कुल्फ़ी खाई होगी, लेकिन जो अपने हाथों से बनी हुई कुल्फ़ी की बात है ना, वो तो अलग ही है। तो चलिए देखिए, बातों बातों में हमारा ये दूध यहाँ पे बॉयल हो चुका है। इसको मैं 2-4 मिनट ऐसे ही उबलने दूंगी जिससे थोड़ा सा और ठीक हो जाए। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा 5-10 मिनट चला लीजिए, जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा जो है दूध गाढ़ा हो जाएगा और उसकी कुल्फ़ी और भी अच्छी बनेगी। तो ये 2-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं उस कप में से जो हमने चीनी ली थी उसमें से मैं इसमें 3 स्पून्स शुगर डाल रही हूँ और उसको मैं कैरेमल कर लूँगी, इससे हम इसका कैरेमल बनाएंगे। तो ये देखिए कैरेमल बन चुका है हमारा और अच्छा सा गोल्डन कलर आया है जो कि हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हल्का सा हमको गोल्डन कलर चाहिए इस कैरेमल का। तो ये देखिए यहाँ पे दूध रखा हुआ है और आप चाहें तो ठंडे दूध में भी इस कैरेमल को ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके, और चाहें तो आप गर्म दूध में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक कटोरी में 2 कड़छी गर्म दूध निकाल लिया है और इसमें हम अपना ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 4 चम्मच मिल्क पाउडर की ऐड कर दी है। मैंने गर्म दूध इसलिए लिया है ताकि जो हमारा मिल्क पाउडर है वो इस दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें एक भी लम्स ना रहे। अगर हम ठंडा दूध लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मिल्क पाउडर हमने ऐड किया है उसमें लम्स बन सकते हैं, लेकिन गर्म दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अच्छे से दूध के साथ मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से गर्म दूध लेना जब आप मिल्क पाउडर को दूध के साथ ऐड करोगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मिल्क पाउडर दूध के साथ। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। और अब हम इस ठंडे दूध में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये ठंडा दूध जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था ये वही है और इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये विस्कर थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे छोटा विस्कर ले लिया और उससे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर को। हमने इस दूध में ये चीनी ऐड कर दी है और हम इस दूध को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारी ये चीनी जो है इसमें घुल जाए। तो ये दूध में जो है चीनी अच्छे से घुल चुकी है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर वाला दूध ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ये मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, इसके जगह आप मावा भी डाल सकते हैं। मेरे पे मिल्क पाउडर रखा हुआ था तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और आप चाहें तो इसमें मैंगो पल्प या फिर चीकू पल्प या फिर बादाम को अच्छे से पीस करके वो भी डाल सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो डाल दीजिए इस दूध में। इसको मैं इसी तरीके से 1 मिनट मिक्स कर लूँगी इस मिल्क पाउडर को अच्छे से इस दूध के साथ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसमें मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसे हमें 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चलाना होगा जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। और ये मैं फुल फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। तो ये हमारा दूध देखिए 4-5 मिनट बाद अच्छे से पक चुका है और अब इसमें मैंने ये कैरमल ऐड कर दिया है। इसे देखना इतना अच्छा कलर आ जाएगा इसके बाद, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर निकल कर आएगा। तो अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, ना भी चाहें तो मत डालिएगा, ये ऑप्शनल है। और इसमें मैंने ये थोड़ी सी इलायची को कूट कर उसका पाउडर बनाकर डाल दिया है। इसकी इलायची की खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है इस इलायची से। तो बस अब ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिक्स हो चुके हैं अच्छे से और इलायची की खुशबू आनी भी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस हमने बंद कर दी है और इसको 1 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए ये 2 ग्लास ले लिए हैं।
जिसमें हम अपनी कुल्फ़ी को डालेंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई छोटे छोटे से स्टील के डब्बे हैं उसमें जमा सकते हैं, या फिर आपके पास कटोरी है उसमें जमा सकते हैं। आप किसी में भी इसको डाल सकते हैं और उसमें अपनी कुल्फ़ी को आसानी से जमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सिंपल से दो ग्लास लिए हैं जो कि सभी के घरों में होते हैं ग्लास, और इसको हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। मेरे बच्चों के मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, वो तो बस यही सोच रहे हैं मम्मा कब ये बन के रेडी होगी। तो अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे एक और इस तरह की ट्रे ले ली है, आप चाहें तो ले सकते हैं इस तरीके की ट्रे, या फिर जो भी आपके पास कोई और ट्रे हो और डिज़ाइन में हो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। तो ये मेरे पे जो है कुल्फ़ी वाली ट्रे थी पड़ी हुई, तो मैंने कुछ इसमें भी डाल दी है, थोड़ी सी कुल्फ़ी को इसमें मैंने डाल दिया है। ये बच्चों के काम आ जाएगी और जो बच गया है वो बाकी का मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ। मैंने ये बाकी का जो कुल्फ़ी थी हमारी वो मैंने इसमें डाल दी है। ये मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल ले ली है और इसको मैं अब इन गिलासों के ऊपर इस तरीके से लगा लूँगी। ये सिल्वर फॉइल मैंने इसलिए लगाई है इन गिलासों पर ताकि जो हमारे आइस क्रिस्टल होंगे फ्रीज़र में वो इनके ऊपर ना गिरे। ये मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, इन स्टिक्स को मैं तब इसमें डालूँगी जब मेरी ये कुल्फीज़ जो है थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद मैं इनमें लगाऊँगी जिससे कि बच्चों को भी खाने में मज़ा आए। अगर बाय चांस आपके पास सिल्वर फॉइल ना हो तो आप इस तरीके से कटोरे भी रख सकते हो गिलास के ऊपर। और अब इसको मैं 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ जिससे अच्छे से लिए। 5-6 घंटे बाद अब हम अपनी कुल्फ़ी चेक कर लेते हैं कि ये बनके रेडी हुई है या नहीं। तो 5-6 घंटे हो गए हैं तो ये बनके रेडी हो चुकी होगी अब तक। और इसमें से अब हम ये फॉइल निकाल लेते हैं और इन कटोरियों को भी हम निकाल कर साइड रख देते हैं। और ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। और ये मैंने कुछ यहाँ पे भी रखी थी, इसमें भी मैंने स्टिक्स लगा दी है, पर मैंने इसमें स्टिक्स नहीं लगाई है। आप चाहें तो इनमें भी इस तरीके से स्टिक्स लगा सकते हैं। आपको ये देखिए मैंने यहाँ पे ये डाली है, इतनी कितनी अच्छे से सेट हो चुकी। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं इस प्लेट पर। ये देखिए हमारी कुल्फ़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। वाओ, लुक एट दिस। देखिए कितनी अच्छी कुल्फ़ी बनके हमारी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में तो, और खाने में तो वाकई में ये बहुत टेस्टी होती है। तो प्लीज़ आप भी बनाइएगा पक्का इसको और ट्राई कीजिएगा। आप लोग जब भी इस कुल्फ़ी को घर पे बनाओगे ना तो आप मार्केट की कुल्फ़ी को भूल ही जाएंगे और आप हमेशा घर की बनी हुई कुल्फ़ी खाएंगे। अब जो गिलास वाली कुल्फ़ी है उसमें आप इस तरीके से चम्मच से भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हो। तो अब इसको खा के टेस्ट किया जाए कि कैसी बनी है हमारी कुल्फ़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट है इस कुल्फ़ी का। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है खाने में और आपकी कुल्फ़ी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसी ये बनी है। और आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की कुल्फ़ी कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।